अस्सलाम वालेकुम जी फैमिली, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज मैंने स्मोकी ग्लिटरी बहुत ही खूबसूरत मेकअप क्रिएट किया है और किन प्रोडक्ट्स के साथ किया है, बहुत ही मज़े की बहुत ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट के साथ। और मेरे बेटे के ऑल नो मेरा मुझे हंसी आ रही है, मेरा बेबी गिर गया था। आप देख लो मैं कितनी मेहनत करके वॉइस ओवर कर रही होती हूँ, क्योंकि मुझे छोटा जो है मेरे से एक मिनट के लिए भी साइड पे नहीं होता। अच्छा, आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़े का एक फेस पैक आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। ये है सॉफ्ट टच का मड मास्क। इसके बैक साइड पर बहुत ज़्यादा जो इंग्रीडियंट्स और इसकी सारी डायरेक्शंस अप्लाई यूज़ करने की लिखी हुई हैं, लेकिन जैसे मैं यूज़ करती हूँ वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एप्पल साइडर में ले रही हूँ यहाँ पर थोड़ा सा, आप इसको डाइल्यूट भी कर सकते हैं, लाइक थोड़ा सा आपने वाटर ऐड कर लेना है या रोज़ वाटर ऐड कर लेना है, लेकिन मैंने डायरेक्ट सारा ही एप्पल साइडर लिया है। आप लोग मत लीजिएगा अगर आपके फेस पे कोई एक्नी है या कोई बम्स वगैरह हैं या कोई रैश वगैरह है, तो नहीं तो आपको ये बहुत ज़्यादा इच करेगा। लेकिन एप्पल साइडर के बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं, इससे ना आपकी स्किन जो हमारी गर्मियों में इतनी ज़्यादा डल हो रही है इस हीट वाले मौसम में, और स्किन बर्न सी हो रही है घर के अंदर रहते हुए भी, क्योंकि हीट वेव इतनी ज़्यादा है कि वो डायरेक्ट हमारी स्किन पे असर कर रही है। तो आप लोगों ने डेली बेसिस पे सॉफ्ट टच का ये बहुत ही अफोर्डेबल लाइक 300 समथिंग आपको मार्केट में मिल जाएगा। मैंने जीवन मार्केट में अलहाफिज़ स्टोर से ये लिया था और बहुत बड़ा पैकेट है, 2-3 माह आपके आराम से निकल जाएंगे। तो आप लोगों ने ये पैक बना के मॉर्निंग में या नाइट में आप लोग डेली बेसिस पे अप्लाई करो, तो अपना रिजल्ट देखना स्किन में कितना एकदम से चेंज आने लग जाएगा एक वीक के यूज़ से ही, और आपकी जो स्किन का डलनेस है डार्कनेस है वो भी रिमूव हो जाएगी और एकदम फ्रेश सी स्किन हो जाएगी। तो ऑयली स्किन, क्योंकि गर्मियों में तो सब, और ये देखें ड्राई भी हो गया यहाँ पर, 10 से 15 मिनट में ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। अभी मैं इसको रिमूव करती हूँ। ऑयली स्किन जो है, ऑयल बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होने लग जाता है गर्मियों में हर तरह की स्किन टाइप के लिए ही, तो ये सारी स्किन टाइप्स के लिए बहुत ही बेस्ट है। यहाँ पर मैंने इसको रिमूव कर लिया तो आप इसके रिजल्ट्स देख सकते हैं, जो कि कैमरे पे इतने अच्छे नहीं है, लेकिन इसका आपको परमानेंट चूज़ करना पड़ेगा। वीक में 3 टाइम तो आपने ज़रूर यूज़ करना है, ठीक है। यहाँ पे अपना आई मेकअप मैं शुरू करने लगी हूँ आपके साथ। बहुत ही खूबसूरत मेकअप मैंने आपके साथ शेयर किया है, क्योंकि शादियों का सीज़न भी यही चल रहा है, लॉकडाउन जैसे जैसे खुला हुआ है। तो आप लोग ये जो स्मोकी ग्लिटरी मेकअप है ना, बहुत ही ईजी और बहुत ही जल्दी हो जाता है। आप लोग ज़रूर मेरा ये ट्यूटोरियल आज देखना एंड तक। मैंने कंसीलर अप्लाई करने के बाद जो है पाउडर से सेट कर लिया कंसीलर, ताकि वो क्रीज ना करें, ठीक है। अब हम अपना आई मेकअप करेंगे। मैंने यहाँ पर 35O पैलेट ले रही हूँ मॉर्फी का, और ये जो मॉर्फी की 35O पैलेट मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है, क्योंकि इसमें सारे मैट और बहुत ही कूल शेड्स बड़े मज़े के जो स्मोकी लुक देते हैं ना, और जो एकदम बाहर के जैसे का मेकअप का लुक आती है, वैसे सारे शेड्स इसमें अवेलेबल हैं। तो ये बहुत ही सॉफ्ट से कलर के साथ सबसे पहले मैं क्रीज एरिया में अप्लाई कर रही हूँ एज अ ट्रांजिशन शेड के, और ब्लेंडिंग ब्रश मैंने फोकलियर का लिया है। इसके बाद सिग्मा का ये ब्लेंडिंग ब्रश लिया है और ये ब्राउन हल्का सा डार्क ब्राउन शेड अपने क्रीज एरिया में ही और आउटर पार्ट पर अप्लाई करती जाऊँगी, और साथ साथ अपने पूरे इसको मैंने ब्लेंड भी कर दिया है अपने क्रीज एरिया में भी और आउटर पार्ट पे भी, क्योंकि मुझे स्मोकी लुक क्रिएट करनी है तो आउटर पार्ट पे मैं ज़्यादा ध्यान दूंगी। इसके बाद थर्ड नंबर पर ये सबसे जो डार्क आई शेडो है, एक छोटू मैंने लिया है सर्कल राउंड ब्रश आप कह सकते हैं, पेंसिल ब्रश कह सकते हैं, इसके साथ अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि मुझे आउटर पार्ट पे ही अप्लाई करना है, यहाँ से ज़्यादा शेड मुझे फैलाना नहीं है। उसके बाद मैंने एक ब्लेंडिंग ब्रश के साथ अप्लाई अच्छे से ब्लेंड कर देना है ताकि मेरी स्मोकी लुक क्रिएट हो जाए। लास्ट में आपने हल्का सा ब्लैक आई शेडो अपने आउटर पार्ट पे छोटू से पार्ट पे अप्लाई करना है, और इसको हमने ब्लेंडिंग करने में ज़्यादा ध्यान देना है। आप देखें 3-4 शेड अप्लाई करने के बाद बड़ा फाइनल लुक जो है बहुत ही स्मोकी सा बहुत ही प्यारा सा लुक निकल के आएगा, क्योंकि अगर डायरेक्ट एक ही शेड अप्लाई करें तो इतनी स्मोकी लुक नहीं आती जो आपको बेसिक चाहिए होती है। अब ये देखें ब्लैक आई शेडो को मैंने छोटे से पार्ट पे अप्लाई करने के बाद बड़े तरीके से उसको ब्लेंड आउट कर दिया है, और मज़े की जो प्रोडक्ट मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ रिवाज यूके का ये ग्लिटर है, नंबर 3 आई थिंक इसका है, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा और भी शेड्स आते हैं, छोटा पैकेट और बड़ा धमाका वाला हिसाब है, अफोर्डेबल भी है, मार्केट में आसानी से मिल जाता है, रिजल्ट्स इसके बहुत ही कमाल हैं। अभी आपने बस इसके रिजल्ट्स देखने हैं। इस लाइनर को एज अ ग्लिटर के ग्लिटर आई शेडो का मैं अप्लाई कर रही हूँ अपनी पूरी इनर लिड पे, इनर हाफ लिड पर, और पूरा देखें बगैर कट क्रीज किए हुए पूरी लिड की मैं शेप दे लूँगी इस लाइनर के साथ ही। मज़े की बात यह है कि अप्लाई होने के बाद मैट हो जाएगा और बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, और जो शीन आएगी जो अट्रैक्टिवनेस आएगी, ओ माय गॉड, आप लोगों ने बस हैरान रह जाना है, देखते रहना कि फाइनल लुक कितना खूबसूरत आने वाला है। और ऐसे देखें लग रहा है ना कि हमने कोई हाई एंड प्रोडक्ट जो है अप्लाई किया हुआ है, तो मैंने ये रिवाज कहीं ग्लिटर अप्लाई किया है। इसके बाद आउटर पार्ट पे थोड़ा सा मैं डेप्थ और ज़्यादा ऐड कर दूंगी,
बेबी मेरा रोने लग गया था, उसको गर्मी लग रही है। मैं पंखा बंद करके आप लोगों के साथ वॉइस ओवर कर रही हूँ। जी जानू, अभी मैंने उसको वॉशरूम में छोड़ा के नहाया और सामने से बैठ के उसे ही देख रही हूँ और साथ साथ आपके साथ वॉइस ओवर कर रही हूँ। देखिए मैंने कितनी मेहनत के साथ ये वीडियो पहले मैंने एडिट किया है, शूट किया है, फिर एडिट किया है, अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो मेरी मेहनत को लाइक आपने किए बगैर कहीं नहीं जाना, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना, और एक प्यारा सा कमेंट आपने ज़रूर करना है। तो मैं और भी जो है अच्छी अच्छी खूबसूरत लुक्स आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आप कोई लुक सीखना चाहते हो तो मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो। तो चलें जी, अपर काम का अपर लिड का हमारा काम हो गया। अब लोअर लैश लाइन पे भी हम स्मोकी लुक क्रिएट करेंगे आउटर पार्ट पे। जैसे पहले मैंने डार्क ब्राउन सा कर लिया था और फिर हल्का सा ब्लैक भी ऐड कर दिया है। जितना मेरा ऊपर वाली आई लिड पे आउटर पार्ट पे ब्लैक ब्लैक है, उतना ही मैं लोअर लैश लाइन पे भी देखें ऐड कर रही हूँ। इसके बाद 35O में ही ये मेटालिक शेड है, ये मुझे बहुत ज़्यादा ये वाला शेड पसंद है। इससे हाईलाइटर भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है इनर पार्ट पे, और लोअर लैश लाइन पे मैंने इसको अप्लाई कर दिया है। और साथ में ही मैं इसको ब्राउ बोन को हाईलाइट कर लूँगी, और ये स्मोकी ग्लिटरी लुक बहुत ही खूबसूरत लगता है। अच्छा, जो लाइनर मैं यूज़ कर रही हूँ मालियो ब्रांड का, ये एक कोरियन ब्रांड है, सुपर स्किनी आईलाइनर। इसके निब बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही स्किनी है, और इतना ही इसकी जो इंक है ब्लैक इंक लाइनर की, वो बहुत प्यारी अप्लाई होती है। अप्लाई होने के बाद एकदम मैट भी हो जाती है, और यूज़ करना बहुत ईजी है। मार्केट में आपको 300-250 का ये लाइनर बहुत ईजिली मिल जाएगा, और बिगनर्स के लिए बहुत ही बेस्ट है। और ये मेरा न्यू फेवरेट आजकल हुआ हुआ है। जैसे पहले मिस रोज का एक लाइनर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था, इसी तरह ये मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगा। ये देखिए मैंने इसे विंग लाइनर बना लिया है, कितना ईजीली कितना एफर्टलेसली बन गया है। मस्कारा मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ O2O का मस्कारा, अपनी अपर लैशेस पर और लोअर लैशेस पर। अगर आप लैशेस नहीं लगाते तो ज़रा आपने भर भर कर 2-3 कोटिंग कर लेनी है मस्कारा की, नहीं तो अगर आप कोई लैशेस ऐड कर लेते हो तो बहुत ही चार चांद लगने वाले हैं आपके मेकअप में। यहाँ पे मिड नाइट ये रिदर जैन की बहुत ही कूल बहुत ही लाइट वेट लैशेज़ हैं। मुझे ये है कि मेरे सारा फोकस मेकअप पे रहे, आई मेकअप पे, लैशेज़ ज़्यादा हैवी नहीं लगा रही, क्योंकि हम जब ज़्यादा हैवी लैशेज़ लगा लेते हैं तो फिर हमारा मेकअप थोड़ा सा छुप रहा होता है। अगर आपने मेकअप हल्का किया हो तो आप हैवी लैशेज़ अप्लाई कर लो, फिर वो ज़्यादा सारा फोकस लैशेज पर रहता है तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल लाइट सी लैशेज ऐड कर दी हैं, और लैशेज ऐड करने के बाद उसके ऊपर दोबारा से लाइनर लगा दिया है। तो ये है फाइनल मेकअप। होप सो आप लोगों को आज का ट्यूटोरियल पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। बिल्कुल इजी वे में मैंने कोशिश किया कि आपके साथ शेयर करूं। लाइक का बटन आप लोगों ने ज़रूर प्रेस कर देना है। अच्छा, रिवाज के इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा कूल शेड्स आते हैं, आप लोग मार्केट में चेक कर सकते हो। अपना ढेर सारा ख्याल रखना, मुझे दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय गाइस।